हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। फ्रेंड्स, वैसे मैं करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ। करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें, करेक्टर सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे चेक करते हैं, अगर आपने उनमें से कोई वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने में हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी जो करेक्टर सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले तो हमारा फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा है वेबसाइट से। अगर हमारा फॉर्म सबमिट भी यहाँ पर हो जाता है तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है सेवा अनुरोध संख्या। इसके बाद आपकी सेवा अनुरोध संख्या आ जाएगी और यहाँ पर लिखा गया पंजीकृत किया गया लेकिन भुगतान गेटवे के साथ कुछ समस्या है, कृपया बाद में भुगतान करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपका चालान जनरेट हो जाता और आपका चालान मिल जाता तो यहाँ पर आप उस चालान नंबर के साथ दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल आप रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यहाँ पर दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप करेक्टर सर्टिफिकेट को दोबारा शुरू से अप्लाई करें। लेकिन हर बार फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे करें और कैसे करेक्टर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक ही सोल्यूशन है। फ्रेंड्स, वेबसाइट से मैंने भी कई बार ट्राई किया तो यहाँ पर हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई नहीं हुआ। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन से, जिससे आप करेक्टर सर्टिफिकेट को बहुत ही आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर ऊपर लिखकर सर्च करेंगे यूपी पुलिस या यूपी सीओपी, तो पहले नंबर पर ही एक ऐप आ जाएगा यूपी पुलिस का। आपको सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमें दो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और दूसरा, यहाँ पर यह ऐप है जो बार बार क्रैश कर रहा है। फ्रेंड्स, फोन में तो ये ऐप बार बार क्रैश कर रहा था। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताना, या फिर हो सकता है मेरे फ़ोन में यहाँ पर कुछ कमी हो तो इस वजह से ये ऐप क्रैश कर रहा हो। तो फ्रेंड्स, इस दोनों ही प्रॉब्लम्स का आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो फ्रेंड्स, करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले इस ऐप को तो डाउनलोड कर ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन यह है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कस्टमर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितनी भी बार आप करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उतनी बार यहाँ पर आप फ्रेश लॉगिन करेंगे कस्टमर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से, इससे कि जो कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था इसमें ऐप में, वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप जिस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से पंजीकृत करते हैं उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से यहाँ पर आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। फ्रेंड्स, दूसरी बात, ये ऐप जो बार बार क्रैश कर रहा था इसका सॉल्यूशन यही है। इसके आप सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एक आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को आप 200 KB से नीचे रेडी करके रखें और साथ ही यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करना होगा। तो तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप रेडी करके रखें और सारी डिटेल्स को तैयार करके रखें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ये ऐप 4-5 मिनट नॉर्मली चल जाता है तो उसी बीच आपको इस करेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आपको केवल पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आसानी से अप्लाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आप सिंपली जैसे ही ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर काफ़ी देर लोडिंग चलती रहेगी तो यहाँ पर आप सिंपली वेट कर लेंगे। कई बार यहीं पर ऐप क्रैश कर जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐप आपका खुल जाएगा तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपका ऑप्शन दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी में ये देखिए सेवाएं लिखा हुआ, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इंग्लिश में यहाँ पर सर्विसेज लिखा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, भुगतान सेवाएँ और अन्य सेवाएँ, यानी पेड सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। तो यहाँ पर भुगतान सेवाएँ पर क्लिक कर लेंगे क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट की हमारी फीस कटती है तो वो हमारी भुगतान सेवा है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिल जाएगा जिसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा। लॉगिन पोर्टल फ्रेंड्स, आप अपनी ओल्ड रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन ना करके यहाँ पर कस्टमर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, आप कस्टमर का नाम डालेंगे, उसकी ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर और यहाँ पर एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे नाम वगैरह फिल करके। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। मोबाइल नंबर की ओटीपी वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप दोबारा से लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से जो मोबाइल नंबर अभी आपने फिल किया था और जो पासवर्ड बनाया था उसी पासवर्ड और मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेम ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पेड सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नाम भरना है और यहाँ पर रिलेशन चूज कर लेना है और उस रिलेशन का नाम भर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पर्पस सिलेक्ट कर लेना है, प्राइवेट सर्विसेज या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज। पर्पस सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पर्पस अपना भरना होगा, तो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर भर देंगे। मोड ऑफ रिसीविंग यहाँ पर वाई डिफॉल्ट यहाँ पर ऑनलाइन ही मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो तीन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ और आधार प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, वो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिसे आप अपनी गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एड्रेस भरना होगा। फ्रेंड्स आप अपना एड्रेस पहले वाले कॉलम में भर देंगे, उसके बाद यहाँ पर कंट्री और स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो अपना थाना लगता है वो सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स आप थाना बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें, अगर आप गलत थाना सिलेक्ट कर देंगे तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे यानी आप कब से इस एड्रेस पर रह रहे हैं, जो एड्रेस आपने फिल किया है वो यहाँ पर फिर कर देंगे। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पर इसे टिक कर देंगे, तो हमारा सेम है इसे टिक कर दिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर प्लीज वेट लिखा आएगा। कई बार फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो नॉट सबमिटेड भी हो सकता है, तो आप अगर दो तीन बार ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा वैसे ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीन शॉट ले लेना है। फ्रेंड्स आपकी जो भी डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर चालान नंबर आए, आपको उसका स्क्रीन शॉट लेते रहना है। रजिस्ट्रेशन नंबर का हमने स्क्रीन शॉट ले लिया है और उसके बाद ओके करेंगे तो वैसे ही आपका पेमेंट पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपका चालान नंबर भी जनरेट हो चुका है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चालान नंबर का भी एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपका चालान नंबर मिल जाता है तो आप इसका पेमेंट डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं, यूपी राजकोष पर जाकर। तो फ्रेंड्स अगर आपका इतना काम हो जाता है तो समझ लीजिए आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपका यहाँ से पेमेंट नहीं होता तो डायरेक्टली आप वेबसाइट से जाकर कर सकते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ से पेमेंट हो रहा है तो हम इसे पेमेंट कर देंगे 50 रुपये का। तो पेमेंट फ्रेंड्स आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI वगैरह से भी कर सकते हैं। तो हम अदर बैंक डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट कर देंगे। तो हमारा पेमेंट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा जो ऐप है वो दोबारा से क्रैश कर गया, तो हमारी जो फाइनल रसीद है वो यहाँ पर नहीं मिल पाई। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास दो ऑप्शन है, आप कस्टमर को या तो जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट लिया उसका प्रिंट दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसका स्टेटस देख सकते हैं। आप डायरेक्टली क्रोम में जाएंगे अपने कंप्यूटर से भी या फिर फ़ोन से भी, तो डायरेक्टली इसका CCTNS की वेबसाइट पर जाकर इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और उसी स्टेटस का प्रिंट जो है वो कस्टमर को दे सकते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये प्रिंट आप कस्टमर को दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप चालान प्रिंट भी कर सकते हैं। चालान प्रिंट मैं फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चालान प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको यूपी राजकोष की वेबसाइट पर जाना होगा। यूपी राजकोष की वेबसाइट पर आप जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सर्च एंड प्रिंट चालान और उसके बाद वेरीफाई चालान। तो आप यहाँ पर सर्च एंड प्रिंट चालान पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो चालान नंबर मिला था, हमने जिसका स्क्रीनशॉट लिया था, POL से स्टार्ट होगा, वो चालान नंबर यहाँ पर फिर कर देंगे। और यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास चालान नंबर है, तो हमें और कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपका जो चालान है वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और इसके बाद इस साइड आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर जैसे ही चालान नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो चालान का वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। चालान का वेरिफिकेशन ओपन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है व्यू डिटेल्स। आप व्यू डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे चालान की सारी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, तो बेटर यही है कि आप कस्टमर को जो स्टेटस है वही प्रिंट करके दे दें, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा और उसका करंट स्टेटस भी शो होने लगेगा। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका सोल्यूशन मिल चुका होगा। फ्रेंड्स अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने में और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अभी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।